नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। क्या रवि किशन, मनोज तिवारी, पवन सिंह के बाद अब खेसारी लाल यादव राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं? जी हां, ये सवाल इसलिए कि खेसारी लाल यादव वैसे तो एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन उन्होंने एक नेता से मुलाकात की है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि खेसारी लाल यादव की क्या राजनीतिक एंट्री होगी। वैसे खेसारी लाल यादव राजनीतिक प्रचार में शामिल रहे हैं और पवन सिंह के लिए भी उन्होंने प्रचार किया, लेकिन उनकी राजनीति में आने की चर्चा सोशल मीडिया पर उनके फैंस लगातार करते रहते हैं। अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात होती है और अखिलेश यादव अपने एक्स हैंडल पर लिखते हैं, कला और कलाकारों का साथ सृजनात्मकता और सकारात्मकता दोनों को बढ़ाता है। अखिलेश यादव के इस पोस्ट पर खेसारी लाल यादव ने भी रिएक्ट किया और उनका आभार जताया। खेसारी लाल यादव ने एक्स पर लिखा कि यह सुखद भेंट हमेशा जहन में रहेगा। ये मुलाकात एक कलाकार और नेता का नहीं बल्कि दो भाइयों की थी, ऐसा मैंने महसूस किया। इतने व्यस्तता में भी मुझे समय देने के लिए, एक बड़े भाई के समान दुलार करने के लिए दिल से प्रणाम और आपका धन्यवाद। मेरी प्रार्थना है कि आपको मिला ये जनाधार ऐसे ही बरकरार रहे और कलाकारों के प्रति जो स्नेह व सम्मान आपके दिल में है उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। ये एक्स हैंडल पर खेसारी लाल यादव ने लिखा और साथ ही साथ अखिलेश भैया का जिक्र करते हुए उन्होंने जनाधार की बात कही। अब लोग मान रहे हैं कि उनका झुकाव जो है समाजवादी पार्टी की तरफ है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन इस बार बेहद ही शानदार रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों वाले सूबे में अखिलेश यादव 37 सीट जीत कर इस बार लोकसभा पहुंचे हैं और उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है इस बार उत्तर प्रदेश में। तो आने वाले चुनाव में क्या विधानसभा चुनाव होगा या लोकसभा चुनाव होगा, क्या खेसारी लाल यादव एंट्री करते हैं पॉलिटिक्स में, और अगर एंट्री करते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ेंगे? वैसे उनके चुनाव लड़ने की चर्चा और राजनीतिक एंट्री की चर्चा आरजेडी की तरफ से भी होती रही है। कहा यह भी जाता रहा है सोशल मीडिया पर कि वो आरजेडी में भी शामिल हो सकते हैं। बहरहाल, इस पर खेसारी लाल यादव का क्या कुछ रिएक्शन रहता है, राजनीति में वो कब आएंगे, इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर आप हमें जरूर बताइए। और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।